क्या दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोको पाउडर डाल के लेयर चॉकलेट लेयर केक बनाएंगे। तो उसमें हम कोको पाउडर डालेंगे और लेयर वाला बनाएंगे केक कि हर लेयर से हमें दो तरह के केक दिखेंगे। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब लेयर केक बनाने की का इंग्रेडिएंट्स हम आपको केक बनाने के लिए हमने 2 कप आटा लिया है। आटा को हमने मैदे की छन्नी में छान के 2 कप आटा लिया है। 200 ग्राम हमने लिया है मिल्क मेड, 1.5 चम्मच हमने लिया है कोकोआ पाउडर, 2 टेबल स्पून हमने लिया है तेल वेजिटेबल ऑयल, 1 चम्मच हमने लिया है वेनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 हमने लिया है बेकिंग सोडा, 1/2 कप हमने लिया है पीसी हुई शुगर शक्कर और 50 ग्राम हम लिए हैं इसमें ये 50 ग्राम हम लिए हैं सॉल्टेड बटर, इसकी मात्रा 50 ग्राम है। 1 चम्मच हम लिए हैं विनेगर और एक ये इतना पानी लिए हैं हम। पानी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही हम डालेंगे और इसको हम नाप के ही डालेंगे पानी। चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक साथ रख पाउडर है बेकिंग पाउडर हम डाल दिए इसमें, 1/4 बेकिंग सोडा है ये, इसको हम छान लेंगे जिससे कि हम बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और आटे को हमने छान लिया है। अब ये ड्राई में हम रखेंगे और अब हम कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये मेरा होममेड है, इसका वीडियो डला है मेरे चैनल में डला है इसका वीडियो। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से। इसमें हम अब डालेंगे तेल, मिल्क मेड डाले, फिर पानी डाले, फिर शुगर डाले 1/4 कप हम इसमें और फिर तेल डाले, वेजिटेबल ऑयल डाले 2 चम्मच। अब सबको हम डाल के इसमें फेंटेंगे। वेनिला एसेंस भी इसमें डाल देंगे, 1 पाव शुगर 1 पाव नमक जो है नमक को डाल दिए थे, 1 पाव करीब एक पूरा कटोरी भर के है। अब इसको हम गरम होने के लिए कम से कम 10 मिनट हम इसको कुकर को गरम करेंगे। हम बटर को भी डाल देंगे इसी में देते हैं। सारी चीजें रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, सारी चीजें रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा केक या जो भी बना। 1 चम्मच डाल देंगे इसी में थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे, इसको अच्छे से फेटेंगे। हमारा बहुत गाढ़ा हो गया है, वेनिला मिक्सचर है ये, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको ठीक करेंगे। बहुत वो तेजी से नहीं, बहुत धीमे हाथ में हाथ से इसको करना है, हमें धीरे धीरे करना है। और ये हमारा वेनिला मिक्सचर बनके तैयार हो गया। मेथड से इसे ये करना है ताकि ज़्यादा इसमें एयर बबल ज़्यादा ना हो अंदर। कट एंड फोल्ड ऐसे तब ये करना है इसको। अब इसको हम अब 2 भागों में डिवाइड करेंगे डाल के, हम चूंकि लेयर्ड केक बना रहे हैं तो 2 भाग में हमने इसको किया है। ये वेनिला वाला हो गया भाग और ये इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे इसलिए ताकि रिबिन कंसिस्टेंसी में आ जाइए, गिरे तो रिबिन जैसे गिरे। थोड़ा सा पतला हमें करना है इसको, स्पैचुला से करेंगे कट एंड फोल्ड। ये हमारा अभी तैयार हो गया, ये देखिए 1.5 चम्मच है ये, और थोड़ा सा दूध डालेंगे और जरूरत होगी तो और दूध डालेंगे। डाल के इसको वो कर देंगे जिससे हमारा केक अच्छे से पकने के बाद निकल। मैदे से इसको डस्टिंग कर देंगे, घुमाते हुए डालेंगे
इसकी डालेंगे, हमें लेयर वाली बनानी है। करेंगे तीन बार और अब इस पे हम रख देंगे धीरे। इसमें डाल दिया है लेयर्ड चॉकलेट को, एक एक को। अब देखिए, अब हम इसको 40 मिनट तक कुकर में धीरे धीरे पकाएंगे। ये हम नहीं लगाएंगे, केवल इसको लगा के और 40 मिनट के लिए मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। लेयर्ड ये केक बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना अच्छा लेयर आया हुआ है। अब आप इसको बनाइएगा जरूर लेयर के। चलिए अब मैं काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लेयर आया है ये, और बहुत सुंदर केक बना, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा केक बन के तैयार हो गया है मेरा। अब आप बनाइए, खाइए। अमोल्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लेयर्स केक जरूर बनाइए और खाइए, और अपने दोस्तों को खिलाइए, रक्षाबंधन है, अपने भाइयों को खिलाइए और बनाइए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।